और क्या विधवा स्त्री कन्यादान दे सकती है महाराज जी? विधवा स्त्री कन्यादान दे सकती, क्यों नहीं देगी? उसकी कन्या है, पति नहीं रहेगा तब तो विधवा है, कन्या उसकी है तो देने का अधिकार उसमें है। कन्या सुनिए, आप कन्या तो नहीं कोई है ना, पानी न दे कोने से पाठी। पहले आप सुनो, गर्भो के साथ करो, स्त्री पुरुष में स्त्री का तेज अधिक होने पर स्त्री शरीर की प्राप्ति होती है, पुरुष का तेज अधिक होगा तो गर्भ में बालक होगा, दोनों के तेज अगर बराबर हो जाएंगे तो दुर्मा होगा या नपुंसक होगा। और एक और भी उपनिषद है, महाभारत में भी है, शांति पर्व में भांतिकार वाचस्पत मिश्र जी ने भी लिखा है, और आपका जो शरीर है स्त्री और पुरुष दोनों के शरीर में छह धातु में समान है, इसका नाम क्या धातु का नाम है? इस शरीर को सुन रहे या सो गए? आपने पूछा था क्या? लगता सो गए। इस शरीर का नाम अन्नमय कोश भी है और साठ कौशिक भी, इसका नाम साठ कौशिक है, भांतिकार ने लिखा और निषदों में भी है। साठ कौशिक माने छह धातुओं वाला, स्त्री और पुरुष दोनों के शरीर में छह धातु में समान है। आरंभ की जो तीन धातुएं हैं वो माता की देन है, हमारे आपके शरीर शरीर है तो माता का प्रवेश शरीर में है ही। आरंभ की जो तीन धातुएं हैं स्थूल वो माता की देन है, माता की प्रधान। अंतिम जो तीन धातुएं शरीर हैं मैं वो पिता के, इसलिए आप उपनिषद प्रवाहित रहे। और महाभारत में शकुंतला का जो वक्तव्य अपने पति दुष्यंत के पास कटकारती भी ललकारती भी उसने जो वक्तव्य दिया उसको पढ़िए। स्त्री का नाम एक है जाया, जाया का अर्थ होता है उसका पति उसी के द्वार से अपने को पुत्र के रूप में व्यक्त करता है, इसलिए नीति शास्त्र माया महाभारत आदि में जब पुत्र हो जाए तो लोक में नहीं अंदर से अपनी पत्नी को भी मातृतुल्य समझे, क्योंकि उस पत्नी के द्वार से ही वो पुत्र के रूप में आया है, पुत्र की ही वो माता है ना, लेकिन पति की भी माता हो गई तो उसका पति, इसलिए उसका नाम है जाया, पत्नी का एक नाम है जाया। जाया माने जिसके द्वार से उसका पति पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है, पति के अनुग्रह से स्वयं ही अपने आप को पुत्री के रूप में महिला व्यक्त करती हैं। कन्यादान जब कन्या शब्द का प्रयोग होगा उसमें पिता और माता दोनों का योग है, दोनों का योग है तो दोनों को दार्शनिक और कर्मकांड की दृष्टि से कन्यादान में अधिकार प्राप्त है, ठीक है। हमारा जो कर्मकांड है ना वो भी दर्शन से मिला, कन्या की उत्पत्ति जो होगी केवल पिता के द्वारा ही थोड़े होगी, माता के द्वारा होगी, पुत्र की उत्पत्ति होगी तो केवल पिता के द्वारा ही, माता पिता दोनों, इसीलिए दोनों का अधिकार है कन्यादान।